हेलो गाइस, माय नेम इज अक्षय एंड वेलकम टू विजया रेसिपीज। आज की हमारी रेसिपी है आलू का चीला और पोटैटो पैनकेक्स। चीला तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट सबका होता है ये जनरली, बिकॉज मैं चीला हमेशा खाता था, बट मुझे आलू चीला ये एक काफी नया एक्सपेरिमेंटल सा लगा। जब मम्मी ने मुझे बताया, मैंने बोला मम्मी आलू है तो बस खिला दो मुझे, बिकॉज आलू के साथ तो ऑब्वियसली हर चीज अच्छी लगती है। मतलब मेरा तो फेवरेट है ही, बिकॉज सबका फेवरेट होता है वैसे आलू तो। सो आलू का चीला इज बेसिकली, उसको आप सुबह के नाश्ते की तरह सर्व कर सकते हैं या उसको इवनिंग स्नैक की तरह सर्व कर सकते हैं। बच्चे इसे खाना बहुत पसंद करते हैं, मैं खुद एक बहुत बड़ा बच्चा हूँ व्हेन इट कम्स टू आलू। सो यस, आलू का चीला इज टुडेज रेसिपी। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इट्स एन इंस्टेंट रेसिपी, इसको ओवरनाइट फर्मेंट नहीं करना पड़ता जैसे बाकी के डोसा या इडली बनाने के लिए हमें ओवरनाइट फर्मेंट करना पड़ता है। इसमें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये इंस्टेंटली बन जाता है एंड इसको बहुत ही टेस्टी ग्रीन चटनी या सॉस के साथ खा सकते हैं। एंड इफ यू लाइक आवर रेसिपी, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट ऑल आवर नोटिफिकेशंस एज सून एज वी अपलोड द वीडियोस। लेट्स मेक टुडे रेसिपी गाइस। पोटैटो पैनकेक्स या आलू का चीला बनाने के लिए हमने ये चार आलू लिए हैं, इसे हम पील कर लेंगे। इसी तरह हम बाकी सारे आलूओं को भी पील कर देंगे। हमने सारे आलूओं को पील कर लिया है, आलू को हम अब ग्रेट कर लेंगे। इसी तरह हम बाकी सारे आलूओं को भी ग्रेट कर लेंगे। हमने सारे आलूओं को ग्रेट कर लिया है और इस बॉल में निकाल लिया है। अब हम इसे दो तीन बार अच्छे तरह से पानी से धोएंगे ये स्टार्च निकल जाने तक। हमने ये ग्रेटेड आलू को स्ट्रेनर में दो तीन बार अच्छे तरह से धो लिया है। से हम ये बाउल में निकाल लेंगे, इसमें पानी डालेंगे और इसे 10 मिनट तक सोक करके रखेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, हम ये ग्रेटेड आलू को स्क्वीज कर लेंगे और ये पानी पूरा निकाल देंगे, इसे दूसरे बाउल में डालेंगे। हमने सारे ग्रेटेड आलू से पानी स्क्वीज कर लिया है, अब हम इसका एक बैटर बनाएंगे। इसमें डालेंगे ये चॉप्ड अनियन, ये हमने एक अनियन लिया है, फ्रेंच बीन्स हाफ कप। आप सिर्फ आलू और अनियन से ही बना सकते हैं या इसमें वेजीज भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। घर में जो अवेलेबल वेजिटेबल्स हैं वो सारी आप यूज कर सकते हैं। एक ग्रेटेड कैरेट, 3 ग्रीन चिली चॉप्ड, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, आप रेड चिली पाउडर भी यूज कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 कप कोरिएंडर चॉप्ड, हरा धनिया। इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून बेसन, हमने 4 आलू लिए हैं इसलिए हम 4 टेबलस्पून बेसन डालेंगे। दो टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 2 इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून राइस फ्लोर या चावल का आटा, 1 टीस्पून नमक। सारी चीजों का हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और मिक्स करते रहेंगे। इसमें हमने सिर्फ 1/2 कप पानी यूज किया है,
में से ज्यादा पतला नहीं बनाएंगे। हमने ये थिक बैटर बना लिया है, अब हम आलू का चीला या पोटैटो पैनकेक्स बनाएंगे। हमने गैस ऑन कर लिया है, पैन में डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को हम पैन में स्प्रेड कर लेंगे। हमारा ये पोटैटो मिक्सचर या बैटर को हम मिक्स कर लेंगे। हमें एक लैडल फुल मिक्सचर या बैटर लेंगे और ये पैन में डालेंगे। दो मिनट एक तरफ अच्छी तरह से सिकने के बाद हम इसे फ्लिप करेंगे। हमारा ये पोटैटो पैनकेक या आलू का चीला दोनों तरफ अच्छी तरह से सिक गया है, इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह हम बाकी सारे पोटैटो पैनकेक्स या आलू का चीला बना लेंगे। हमारा ये आलू का चीला या पोटैटो पैनकेक्स तैयार है। हमने इसे सर्व किया है कोरिएंडर ग्रीन चटनी के साथ।